विदिशा के सिरोंज में पिछले 5 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह से लोग परेशान हैं। दरअसल कैथन डैम में पानी की कमी होने की वजह से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते वार्ड क्रमांक 1 और 2 के रहवासियों ने वार्ड पार्षदों के साथ मिलकर नगर पालिका में प्रदर्शन किया। 1, 2, 3, 4 में 5 दिन से पानी नहीं आया, लोगों के घरों में ताई ताई बची है पानी, लोग काम पे नहीं जा पा रहे, मजदूर है वो पानी के लिए भाग रहा है, तालाब वो पानी लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार नहीं रेंग रही और भेदभाव भी किया जा रहा है। रात को 2 बजे पानी आ रहा था, हमारे नगर पालिका के जिम्मेदार ने 2 बजे रात को हमारे हाजीपुर की लान काट के बाजारों पानी भेजा दिया, पूरी रात पूरा शहर हाजीपुर जगता रहा, पूरी रात नहीं सो, ये हल्ला बर्दाश्त नहीं होगा और जनता लेके आई है, मेरा फर्ज है, मैं भी जिम्मेदार था लेकिन जिम्मेदारी तोड़ के नगर पालिका आया हूँ। देखिए हम 3 दिन से बराबर प्रयासरत रहे, डैम का निरीक्षण भी किया हमने, मोटर निकलवाई हुई, मैंने बताई कि तालाब में डैम में पानी कम आ रही है, रेसो आया, रेसो के कारण मोटर अभी खराब हुई, दोनों मोटर निकलवाई, ठीक करवाई और कल शाम के ही एक मोटर डलवाई है। इसके बाद जो पायर वाटर स्तर जो नीचे गया है, उसका जो नीचे का जो पाइप था डैम का, उसे आज सुबह JCB से निकलवाया, JCB लगा कर वो पाइप खुल चुका है और अपन ये कहते हैं 3 बजे अपन आज सप्लाई करेंगे। देखिए बारिश का जो समय था वो मध्य प्रदेश में आमतौर पर 15 जून से शुरू होती है, परंतु तो अभी तक बारिश की केवल एक ही शावर हुई है, इस वजह से डैम का स्तर थोड़ा कम हो गया। परसों और कल भी, कल रात तक हम लोग सफाई करवा रहे थे ताकि जो पानी है डैम से थोड़ा दूर है उसको भी हम संपल के माध्यम से खींचने के सिलोन में दे सकें, परंतु कल जो थोड़ी समस्या आई और आज भी जो आ रही है, उसके लिए हमने जो हाजीपुर में हमारी टंकी है उसको हम भरवा रहे हैं, उसमें हमारे पार्षद, हमारे CMO लगातार हमारी टीम पूरी लगी हुई है।